हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करता हूँ ये वीक आपके लिए बेहतरीन गया होगा। आपने काफी अच्छे ट्रेड करके काफी अच्छा पैसा भी बनाया होगा और आपकी फैमिली में सब लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज हम देखो वीक का आखिरी दिन है, 2 दिन की छुट्टियां होने वाली हैं, तो सबके लिए 2 दिन देखो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ लर्निंग्स के लिए कुछ करें। तो प्लान ये है कि अगर अच्छे रिस्पॉन्स आए अपने टेलीग्राम चैनल पर, देखो मैंने एक छोटा सा एक सर्वे स्टार्ट किया है सर, ये छोटा सा सर्वे, शुड आई मेक अ वीडियो फॉर बेस्ट स्टॉक फॉर स्टॉक एसआईपी, वो स्टॉक्स जो आप हर महीने कुछ न कुछ अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, वो स्टॉक्स के लिए आप इस सर्वे में, अपना ये चैनल है मनी मंत्रा विद दीपक रोहिला, इस पोल में आप हिस्सा लेके बता सकते हैं कि क्या आपको वो वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। एटलीस्ट 300 प्लस वोट होंगे तो इस पे डिसीजन लिया जाएगा दोस्तों, अदरवाइज फिर क्या फायदा मेहनत करके अगर 300 लोग भी उसको यूज करने और देखने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, वैसे तो 500 का टारगेट था मेरा, बट बड़े ठंडे रिस्पॉन्स मिले हैं तो नीचे कर दिया उसको 300 के लिए, बट 500 तो अभी भी मेरे मन में है कि 500 लोग तो जो वेल्थ क्रिएशन के लिए यस बोलते हैं कि हाँ हमको पैसा बनाना है धीरे धीरे करके सिस्टमेटिक तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो अपने 6700 सब्सक्राइबर हैं, ब्रांड एम्बेसडर, उनका दिल से धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों का प्यार लाइक और कमेंट के रूप में ऐसे ही आप बरसाते रहें। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों को मैसिव वैल्यू दे सकूं अपने वीडियो में इन स्टॉक्स के जरिए, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आपके सोचने के तरीके को चेंज कर सकते हैं, आपके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि वो ट्रेड कीजिए जो आपको समझ में आता है, वो ट्रेड कीजिए जो आपको चार्ट पे अच्छा लगता है। चार्ट रीडिंग करना सीखिए दोस्तों, दो छोटे छोटे शुभ दिन तक आप अपने चैनल पर लगाओगे ना, अपने फोन में लगाओगे, आप जो भी मोबाइल ऐप यूज करते हो उस पे लगाओगे। एंजल मैं यूज करता हूँ, एंजल वाला अकाउंट, जो एंजल के लिए पूछना चाहता है उसके मैं बता दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे लगाना है आपको इंडिकेटर। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं स्टॉक्स की, वो मंत्र, वो मनी मंत्र जो आपके पैसे को विंग्स लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं मल्टीफोल्ड। तो आगे बढ़ते हैं, 2 दिन पहले दोस्तों अगर आपने ये मिस कर दिया है, ये कहां गए हमारे 5 पेनी स्टॉक्स, देखो ये स्टॉक्स है ना, 5 ऐसे स्टॉक्स बताए थे जो आपको 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर 100-500% की ग्रोथ देने वाले हैं। उसी में कुछ उदाहरण अभी दिखा रहा हूं आपको। 98 रुपीज पे स्किपर लिमिटेड हमने डिस्कस किया था, आज 20% अपर सर्किट में है, तो 1/5 मतलब 100% का 20% तो हो गया, 1/5 तो होगी, जर्नी ट्रेवल हो गई सर। हम 98 से 176-175 का डबल के लिए प्लान जो कर रहे थे वो जल्दी होने वाला है। तो अगर आपने इसमें पार्ट नहीं लिया है तो डेफिनेटली एक बार जरूर सोचिए और प्लान कीजिए। नेक्स्ट स्टॉक देखो, ये मैं स्टॉक, 2 स्टॉक स्किपर और BHEL वो बता रहा हूँ, शोकेस ऑफ आवर वर्क, हम क्या काम करते हैं, हम कैसे काम करते हैं, हमारा प्रीमियम ग्रुप का जो मेंबर है वो टाइम से पहले, स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर टाइम पे एंट्री टाइम पे एग्जिट, पैसा कब बनेगा ऐसे बनेगा, तो एंट्री का पॉइंट पता होना चाहिए कि कहां पे, अगर स्मार्ट है तो उसने यहां पे एंट्री ली होगी, और जो चार्ट को देख के डिसिप्लिन से ट्रेड करता है तो ये जो EMA लाइन ऊपर गई है यहाँ पे एंट्री ली है, और फिर ब्रेकआउट देखा है तो 55 रुपीज पे एंट्री बनती थी, हमने 55 पे एंट्री ली, अभी 90 रुपीज चल रहा है, तो क्या ऑलमोस्ट डबल होने वाला है पैसा, 55 से 90 जा चुकी है स्टोरी। और लॉन्ग टर्म में मंथली कैंडल देखिए और आपको पता लगेगा कि ये स्टॉक कहां जा सकता है। हम 200 के लिए भी बैट कर रहे हैं सर इसमें, लिटरली मैं 200 के लिए बैट कर रहा हूं, मैं निकालूंगा 200 से पहले, ऐड करता रहूंगा कुछ ना कुछ क्वांटिटी। अभी बात करते हैं वो स्टॉक्स जो आप नेक्स्ट वीक में इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो और स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, वॉल्यूम अच्छा है
वॉल्यूम अच्छा है, वॉल्यूम असेंडिंग ऑर्डर है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। LTTS, L&T टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। तो देखो L&T आप जानते हैं काफी रेनाउंड कंपनी है, इंडिया इंडिया से बाहर ग्लोबली कंपनी है जो बिजनेस करती है, काम करती है अलग अलग लोकेशन पे। अभी चार्ट हम देख रहे हैं, तो चार्ट में RSI, वॉल्यूम और कैंडल तीनों बहुत ही अच्छी लग रही है। और जो हमारा सूचकांक है 9 EMA, वो भी कह रहा है कि यहां से अप मूव आ सकता है, तो हम इसको बाय कर सकते हैं। आज भी कुछ लोगों ने बाय किया है। तो LTTS की सी भी आप इसमें अंदर बाय कर सकते हैं। देखो मैं पहले ही बता रहा हूं, बताना नहीं चाहिए। ये एक W फॉर्मेशन इसके अंदर बन रही है दोस्तों। तो स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, 4287 पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। हमने 3580 पे अपने प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स को दिया था, 3580। तो वहां से कितना ऊपर आ चुका है, 700 रुपीज ऊपर आ चुका है। परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लेना कि कैसे आया, कितना हो गया। 3580 से इसके अंदर ये आया है। यहाँ पे हमने ये देखो, ये इन्हीं कैंडल में हमने इस कैंडल पे हमने इसको बाय किया था 3580 में, और उसके बाद ये 4281, मतलब 700 रुपये आपको बना के दे चुका है। जिन लोगों ने प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन किया है, जिन्होंने इसको बाय किया, तो वो डेफिनेटली पैसा पोर्टफोलियो में ऐड कर चुके हैं। यहां से स्टॉक 4585 5000 और 5300 प्लस इन टारगेट के लिए आप स्विंग ट्रेड करना चाहे स्विंग ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे करना चाहे इंट्राडे कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों प्रिंस पाइप। प्रिंस पाइप डे टाइम में कैसा लगता है, अगर डे टाइम में आपको कोई बताता कि 584 585 ऐसे बाय कर लो, और उसके बाद इसने 601 का हाई भी बनाया है, 601 का हाई भी, ऑलमोस्ट 602। तो फर्स्ट टारगेट तो हमारे आज ही अचीव हो गए थे। अभी नेक्स्ट टारगेट है 615 का, और उसके बाद 640 के लिए हम इसमें जा सकते हैं दोस्तों। हर स्टॉक में स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस जब ये 9 EMA की जो ब्लैक लाइन है ना, ये देखिए हाइट स्टॉप लॉस लगता है जब ये 9 EMA की, जैसे यहां पे 9 EMA की लाइन को क्रॉस किया ना, तो हमको यहां से एग्जिट करना है, ये मेरा स्टॉप लॉस रहता है। आप भी ऐसे ही स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो सर, आपको बार बार इसको ट्रेल करते रहो, बार बार ये इसको, इसने क्रॉस इसको जस्ट किस किया, नीचे नहीं गया, यहां पे नीचे गया, यहां पे निकल सकते थे। अब ये वापिस एंट्री मिल रही है, वापिस एंट्री कर सकते हो टिल जब तक ये क्रॉस ओवर नहीं आए। सिंपल है सर, कोशिश करेंगे सिंपल सिंपल तरीके से काम करें। RSI बड़ा अच्छा लग रहा है, RSI का भी मूव अप मूव में है, तो हमको चांस मिल रहा है कि यहाँ पे इसके साथ हम जा सकते हैं। हाँ ये एक कैंडल, बड़ी कैंडल बनी है, हो सकता है कि कल एक दो दिन साइडवेज जाए, तो आपको कोशिश करना है कि ये वाली एंट्री अगर आपको मिल जाए तो 585 पे ये एंट्री अगर मिले तो आप ग्रैब कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक बजाज कंज्यूमर। देखो बजाज के ग्रुप का एक और ऐसा स्टॉक जो मल्टी बैगर हो सकता है, मल्टी फोल्ड आपको ग्रोथ करके दे सकता है, बजाज कंज्यूमर। तो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 169 170 के अराउंड, स्टॉप लॉस 156 का रख सकते हैं या ये 162 का रख सकते हो, छोटा स्टॉप लॉस 80 तक देख लेंगे, निकल जाएंगे 9 रुपए के स्टॉप लॉस पे। बट 9 रुपए के सपने को क्या मिल रहा है, 174 183 193 200 प्लस, ये शॉर्ट टर्म का सर, लॉन्ग टर्म का इसको वीकली कैंडल करना पड़ेगा। और यहां से आप देखिए कि RSI कितना अच्छा लग रहा है, और ये कितने ऊपर तक के टारगेट जा सकते हैं, 300 प्लस, 300 प्लस जाएगा तो सर अपना पैसा डबल हो जाएगा ना। तो ऐसे स्टॉक्स में, क्वालिटी स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए अपने को। नेक्स्ट स्टॉक अगर GMDC, गुजरात मिनरल्स। अब फॉर्मेशन क्या, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि क्या फॉर्मेशन बन रही है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसको कमेंट करके बताएंगे कि इसमें GMDC में अभी क्या फॉर्मेशन बन रही है। एक काफी फॉर्मेशन है, एक मैं आपको ये बताऊं कि क्या ये बन रहा है, आपका क्या ये लग रहा है आपको कि ये बना है। क्या ये अपने को क्लियर कट कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट लग रहा है सर। स्टॉक 156 का जो लेवल है इसका, उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है 161 पे, 172, 185 ये शॉर्ट टर्म के टारगेट हैं, और लॉन्ग टर्म आप जाना चाहते हैं तो 200
195 भी जा सकते हैं और 210 इन टारगेट के लिए आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो को 6 साल इसको होल्ड कर, इसमें होल्ड कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पीटीसी इंडिया, पीटीसी इंडिया में भी आप एक फॉर्मेशन आप देख रहे हैं सर, बनाऊंगा नहीं मैं, फॉर्मेशन आप देख रहे हो, आपको लर्निंग कैसे होगी, ये फॉर्मेशन क्या फॉर्मेशन बनी है, आप इसको मार्क करो सर, क्या आप इसको कमेंट करके बता सकते हो कि क्या फॉर्मेशन बन रही है? अगर फॉर्मेशन बन रही है, ये ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो 90 रुपीज के अराउंड आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट हमारा 97 रहेगा, उसके बाद हम 110 के लिए भी जा सकते हैं दोस्तों, और सेफ में 105 के लिए। तो इन टारगेट के साथ आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में निवेश कर सकते हो पीटीसी इंडिया। उम्मीद करता हूं जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। स्टॉक्स अच्छे लगे हैं तो आपके जो आशीर्वाद के रूप में जो ऑक्सीजन है सर अपने चैनल के लिए, आपके लाइक्स और कमेंट्स वो करना ना भूले दोस्तों, आपके लाइक्स और कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीकेंड आ गया दोस्तों, दिसंबर का महीना शुरू हो गया है कि हाउ वी विल क्रॉस 10,000 मार्क, ये सर कैसे करेंगे आप बताओ ना जरा प्लीज। हम जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, 10,000 मतलब 10,000 लोगों तक भी नहीं पहुंच पा रहे सर, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो ये मुझे थोड़ा सा चिंता का विषय लगता है। आपसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ हेल्प कीजिए, एटलीस्ट एक या दो जन को तो सब्सक्राइब करवाइए सर, जो स्टॉक मार्केट में विश्वास रखते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग में विश्वास रखते हैं, जो पोर्टफोलियो मेकिंग में विश्वास रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, कल मिलेंगे दोस्तों, कुछ अच्छी लर्निंग्स करने की कोशिश करेंगे। आप छुट्टी एंजॉय करो, मैं आपके लिए कुछ ऐसे वीडियो बनाऊंगा एक दो जहां पे आपको लगेगा कि कुछ आपके लिए है, मैं टाइम यूटिलाइज करूंगा, तो आप भी देखने में टाइम यूटिलाइज तो करोगे, जो आप टाइम दे रहे हो उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए आपको, ये मेरा बिलीव है, ये मेरा मानना है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, इसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी का अपडेट हम करेंगे, तो देखना मत भूलना दोस्तों। हैव अ वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे दोस्तों।